अब हम बात कर लेते हैं रोहिणी नक्षत्र की और समझते हैं कि क्या खास बातें रोहिणी नक्षत्र के बारे में शशि जी बताने जा रहे हैं। आज हम लोग रोहिणी नक्षत्र के विषय में बात करते हैं। रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा की अमृत शक्ति का बीज माना जाता है। यह नक्षत्र चार तारों से मिलकर बनता है। ऋषियों ने रोहिणी के विषय में बहुत सम्मान दिया है। रोहिणी नक्षत्र प्रजापति ब्रह्मा का वास होता है इसमें। उनके तारों की आकृति जो है रोहिणी नक्षत्र के, वो बैलगाड़ी की आकृति की तरह है। और ये रोहन शब्द से मिलकर बना। रोहन शब्द का अर्थ होता है सवारी करना और रोक शब्द का अर्थ होता है वृद्धि, विकास और उच्च ताप होना। रोहिणी का शाब्दिक अर्थ लाल गाय भी है। रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा हैं। अब रोहिणी नक्षत्र किस राशि में होता है? रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में होता है। इसलिए जिन लोगों की वृष राशि है उनका नक्षत्र रोहिणी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र भी रोहिणी था। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग के अंदर जो गुण भी बहुत विशेष होते हैं। अब रोहिणी नक्षत्र का देवता ब्रह्मा है और ब्रह्मा की प्रकृति है, क्रिएटर है, वो क्रिएट किया है। अब जो प्रकृति इतनी सुंदर है जो ब्रह्मा ने बनाई है, तो रोहिणी नक्षत्र वाला भी व्यक्ति क्रिएटर होता है। और रोहिणी नक्षत्र का संबंध कृषि और सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है। जैसे बीजारोपण होना, उसके बाद अंकुर फूटना, फिर धीरे धीरे पौधा होना, फिर वृक्ष होना, फिर फल होना। दर्शकों, रोहिणी नक्षत्र के बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके गुणों पर प्रकाश डालते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होता है और प्रकृति का पुजारी भी होता है। पर्यावरण को लेकर ये बहुत संवेदनशील होता है। ये पर्यावरण को खराब करने वाला कोई कार्य नहीं करता है। दर्शकों, रोहिणी नक्षत्र वालों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, बड़ी मोहनी आंखें होती हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक प्रायः सुंदर और मीठा बोलते हैं और इस नक्षत्र वाले थोड़े से रोमांटिक भी होते हैं। रोहिणी नक्षत्र वाले दिल से काम ज़्यादा करते हैं, दिमाग जरा कम लगाते हैं। इसलिए ये अक्सर बहुत जल्दी जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और ये कल्पना शक्ति इनके अंदर अद्भुत होती, सृजनात्मक शक्ति इनके अंदर अद्भुत होती। नई नई चीज़ों को ये बहुत खोज लेते हैं, ईजाद कर देते हैं। रोहिणी नक्षत्र वालों की एक खास बात और होती है कि अगर ये किसी प्रोजेक्ट से जुड़ जाते हैं तो उसकी कमियां ये तुरंत बता देते हैं और उस कमियों को आप ठीक करिए और तुरंत प्रोजेक्ट सफल हो जाता है। यानी ये ट्रबल शूटर होते हैं, ये बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं। इन्होंने अगर सलाह दी तो ये कार्य सफल हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र वाले घर और कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित रहते हैं। बहुत ज़्यादा ये गंदगी नहीं पसंद करते हैं। बहुत हर चीज़ बहुत टाइडी तरीके से हो और बहुत स्वच्छता पसंद व्यक्ति होते हैं। क्या क्या इनको सावधानी रखनी चाहिए, ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। रोहिणी वाले व्यक्ति को जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इन लोगों को ऑफिस के लोगों को अपनी गुड बुक में ऐसे नहीं ले आना चाहिए। पहले लोगों को समझना चाहिए, तब उनको अपना सच्चा मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि ये दिल से सोचते हैं। कोई व्यक्ति कनेक्ट हुआ, उसको दिल की बात बता दी, बाद में उससे विरोध हो गया, ये इमोशनल ब्लैकमेल भी हो जाते हैं, क्योंकि भावनात्मक तरीके से कार्य करते हैं। इसलिए कोई भी कार्य भावनात्मक तरीके से नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाद में बहुत दिक्कत होती है। अपने नक्षत्र की पावर को बढ़ाएं कैसे? रोहिणी नक्षत्र वालों को प्रकृति प्रेम तो पूर्णता होता ही है, उसका लाभ भी लेना चाहिए। और ब्रह्मा देवता होने के कारण प्रकृति के ये बहुत अनुरूप होते हैं। ब्रह्मा जी तो प्रकृति बनाई है, तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है कि ये नेचर से बहुत जल्दी कनेक्ट रहते हैं। और इनके लिए सबसे अच्छी वनस्पति है जामुन का पेड़, जिसका पौराणिक नाम जम्बू है। जामुन बहुत ही सरलता से हर जगह उपलब्ध है।
साथ ही सभी जगह पाया भी जाता है। जामुन का जो फल होता है वो बहुत लाभकारी होता है और साथ ही गणपति जी को तो बहुत पसंद है। कहते ही हैं कि जम्बू फल भक्षकम, और मधुमेह के रोगियों के लिए तो ये अमृत है। तो जो भी इतना लाभकारी पेड़ है ये कि रोहिणी नक्षत्र में जितने लोगों का जन्म हुआ है वो लोग अपने घर में एक जामुन का पेड़ लगाएं, रोज उसको पानी दें, उसको प्रार्थना करें और अपनी जो भी समस्याएं उससे कहें। आप विश्वास रखिए, वनस्पति से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो सीधे ब्रह्मा जी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ये तो इसलिए जो नक्षत्र है उसका बलवान होना बहुत ज़रूरी है। और जामुन के पेड़ लगाइए, हर जगह लगाइए और डायरेक्ट भी होइए, लोगों से लगवाइए, ये बहुत अच्छा फल देंगे आपको। तो रोहिणी नक्षत्र के बारे में कुछ खास बातें हमने जानी, क्या विशेषताएं होती हैं, कहां पर सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे पावर बढ़ सकती है रोहिणी नक्षत्र वाले लोगों की, ये भी हमने आपको बताया।